हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सचिन कुमार सिंह रोज की तरह आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। मॉडल पेपर यूपी ट्रिपल एससी पेट एसएससी जीडी एनटीपीसी फेज 2 आरआरबी ग्रुप डी ऑल वन डे एग्जाम्स। जो दोस्तों हम जो क्वेश्चन लाते हैं वो चुने हुए क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि जो एग्जाम में पूछे गए होते हैं या जो आने की संभावना होती है। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम मैथ के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ये पार्ट वन है, मॉडल पेपर ये 12 है, 12 का पार्ट वन है। पार्ट टू में हमारे नीरज सर जो हैं उसमें इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, इसी संबंधित क्वेश्चनों के बारे में आपको बताएंगे, वो पार्ट टू में होगा। तो चलिए पार्ट वन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो मैथ का पोर्शन पहले है। तो मैथ का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? पहला कह रहा है दो वर्गों ए और बी का परिणाम क्रमशः 3:5 के अनुपात है में है और उनके क्षेत्रफल का योग कितना है? 1224 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर है। उन वर्गों का क्षेत्रफल क्या है जिनकी भुजा वर्ग ए और बी की भुजाओं के औसत के बराबर है, की भुजाओं के औसत के बराबर है। तो दोस्तों इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से लगाएंगे और अच्छी कायदे से समझेंगे। कैसे? अब देखो दो वर्ग हैं ए और बी। क्या है? ए और बी है, जिनका रेशियो कितना दिया है? 3:5। कितना अनुपात दिया है? 3:5 है नहीं, इनके वर्गों का अनुपात है दोस्तों। किसका है? वर्गों का अनुपात है नहीं। अब दोस्तों क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग, वर्ग बोले तो एरिया, वर्ग क्या होता है? एरिया, अर्थात वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा? अब इसको हम एक्स एक्स से हम मान ले तो 3x ये 5x हो गया, 3x और 5x हो गया। अब वर्ग करें तो भुजा स्क्वायर होता ना, एरिया कैसे निकालेंगे? वर्ग का भुजा स्क्वायर होता ना। तो पहले मान लो 3x भुजा है ए वर्ग की, दूसरे बी वर्ग की 5x है, तो भुजा स्क्वायर है ना 3x का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान कितना? 5x। कितना है उनके क्षेत्रफल का योग? योग की बात करेंगे तो हम जोड़ेंगे है नहीं, बराबर कितना मान दिया है? 1224 रख दो, तो ये कितना है? 9x² प्लस 25x² बराबर 1224। तो 9 और 25 कितना हो? 34x² है नहीं, बराबर 1224। अब दोस्तों जब इसको हम 34 से 1224 को डिवाइड करेंगे तो 34 एकम 34 ये कितनी बार जाएगा? 36 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 36 बार। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 36। तो x की वैल्यू इधर स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ गया ना, तो रूट चढ़ेगा तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। कितना होता है दोस्तों? 6। अब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 6। अब दोस्तों क्या बोल रहा है? उन वर्गों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिनकी भुजा वर्ग ए और बी के भुजाओं के औसत के बराबर है, भुजाओं के औसत के बराबर। दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात है, औसत पूछा है ना, तो भुजा कितनी थी? 3x और 5x। ठीक है, तो भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5 और 3 कितना हुआ? 8x। कितना हुआ? 8x। अब भुजाएं कितनी है? 2 ही तो भुजाएं हैं, औसत निकालेंगे हम तो 2 से डिवाइड कर देंगे है नहीं। तो 8x की वैल्यू 6 निकली है बटे 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 8 3 24। कितनी आ गई? 24 आ गई। तो उन वर्गों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? एरिया कैसे निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, यानी 24 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? अब देखो ये भी करने की ट्रिक है, कैसे करेंगे? 24 है, 100 के अंदर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ। कितना हुआ? 2 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कर रहे हैं दोस्तों, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। आप लिंक 2ab होता ना, a प्लस b का होल स्क्वायर करें तो 2ab, तो 4 दुनी 8, 8 दुनी 16 हो गया। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 है नहीं। अब यूनिट डिजिट
छः का छः रखा, छः सात चार पाँच, 576। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 576 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। कोई वस्तु है उसको निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के, अगर उसे उस कीमत के में 60% में बेचा जाए, जो कीमत थी उसके 60% पे बेचा जाए। कितने परसेंट पे बेचा जाए? 60% पे। समझने वाली बात है? तो 35% की हानि होती है। कितने परसेंट की? 35% की हानि होती है। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत क्या है? अब लाभ प्रतिशत है क्या है? तो दोस्तों बहुत ही एडवांस तरीके से इसको लगाएंगे। कैसे? मान लो एसपी जो था पहले सेलिंग प्राइस वो 100 था। कितना था? 100 था। ठीक है, कह रहा है एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। एक निश्चित मूल्य क्या था? एसपी हमने मान लिया सेलिंग प्राइस 100। अगर इसे इसकी कीमत के 60% में बेचा जाए तो न्यू एसपी क्या आ गया? न्यू एसपी, नया सेलिंग प्राइस 100 माने थे, पहले 100 था लेकिन 60% पर बेचा जाता ना, तो 100 का 60% कितना? 60 हुआ। तो यानी 60 रुपए में बेचा जा रहा है। कितने रुपए में? 60 रुपए में। 100 का 60% 60 आ गया, है नहीं? अब बताइए, तो आपका न्यू एसपी हो गया। कितना हो गया? न्यू एसपी हो गया। अब एसपी और सीपी का हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? कितना लाभ प्रॉफिट हो रहा है? तो पहला कितना है? 60%। तो 60% को हम क्या लिखते हैं बताओ दोस्तों? 60% में बेचा गया तो 60% 100 का 60% 60 हुआ, है नहीं? लेकिन तो 35% की हानि होती है। 35% को कितना लिखते हैं? 7/20। क्या कहोगे? 7/20, है नहीं? 35% को 7/20 लिखते हैं, तो मतलब हानि होती है। पहले एसपी कितना था? 20 था। हानि कितने की हुई? 7 की। तो 20 से 7 गया तो कितना बचा? 13। सीपी कितना रहा? 13। अब 13 की वैल्यू कितनी है? 60 रुपए। क्या कहोगे? 60 रुपए। 13 की वैल्यू 60 रुपए, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60/13। कितनी हो जाएगी? 60/13, है नहीं? अब दोस्तों सीपी कितना हो जाएगा बताइए? सीपी और एसपी बताइए, एसपी कितना माने थे हम? कितना माने थे? 100। कितना माने थे? 100, है नहीं? और सीपी एक का मान 13, 35% के मान होते 20 से 13 हो गया ना, तो 13 का वैल्यू दिया है ना। सीपी कितना है? 13 का वैल्यू 60, तो एक की वैल्यू कितनी? 60/13, है नहीं? अब जो है एसपी और सीपी यहां कितना हो जाएगा? एसपी सीपी, ठीक है, एसपी का मान कितना हो जाएगा? देखो न्यू एसपी कितना हो जाएगा? देखो एसपी 60/20 कितना हो गया? 1200। 60/20 तो कितना एसपी कितना हो गया? 1200। कितना हो गया? 1200। और सीपी कितना हो गया? 1300, है नहीं? कैसे आया? एसपी कितना था? 100 था, 100 था ना? अब न्यू एसपी कितना था? 60। 60 और 20 की गुणा कितनी हो गई? 1200, ठीक है। और सीपी कितना हुआ? सीपी की 100 से 13 की 100 से, तो 1300। प्रॉफिट कितना आएगा? कहोगे 100 रुपए का। कितने का? 100 रुपए का। किस पे आएगा प्रॉफिट? एसपी पे आता है, है नहीं? हमेशा किस पे आता है? एसपी पे। एसपी कितना है? 1200। 2 से 2 जीरो कटे, 100/12, 4 से काटो, 25 से 100, 4 × 3 = 12, तो 25/3%। ये आपका राइट ऐसा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा दोस्तों? 25/13%। बात करें तो 8 सही 1/3%, है नहीं? तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है
ए किसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय से दोगुना समय लेता है। ए किसी कार्य को करता है जो कि बी द्वारा लिए गए समय से दोगुने समय में कार्य करता है। एक साथ वे आठ दिनों में ब्रैकेट कामा कामा लगा है प्रतिशत, मतलब वो यही क्वेश्चन पूछा कितने प्रतिशत कार्य पूरा कर सकता है, मतलब दोनों एक साथ काम करें ठीक है, तो वो आठ दिनों में कितने प्रतिशत काम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ए अकेला पूरा कार्य 40 दिनों में पूरा करता है। दोस्तों ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। तो ए और बी दो लोग हैं, क्या है ए और बी दो लोग हैं, तो पहले इनका रेशियो कितना है, ए किसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय से दोगुना समय लेता है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, समय का रेशियो अर्थात टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो यानी दोगुना, यानी कोई कार्य ए दो दिन में करता है तो बी एक दिन में करता है, कितने दिन में करता है एक दिन में करता है, तो 2:1 हो गया भाई। ए से दोगुना क्या लगता है बी, ए से ए जो है दोगुना बी से कार्य समय लेता है ना, तो टाइम का रेशियो कितना आ गया 2:1, तो इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो हमेशा याद रखो जब टाइम का रेशियो 2:1 है तो इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता का रेशियो हमेशा उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है टाइम से, तो इनका 2:1 है रेशियो टाइम का, तो इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2, कितना हो जाएगा 1:2। अब क्या निकालेंगे हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे दोस्तों। अब ए अकेला कितने दिनों में कार्य कर सकता है 40 दिनों में, तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों इफिशियंसी की एक, तो एक से मल्टीप्लाई ठीक है 40 से कम 40, टोटल वर्क कितना आ गया 40, कितना है दोस्तों 40, इतना आपको तो समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है, यदि वे एक साथ आठ दिनों में कार्य पूरा करते तो कितने प्रतिशत आठ दिनों में कार्य पूरा हो जाता जितना टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क दोस्तों कितना है 40 है, कितना है 40 ठीक है। अब तो आठ दिनों में कार्य का प्रतिशत कितने परसेंट करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अब आठ दिन है गुणे प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बटे में क्या होगा दोस्तों 40, क्या होगा 40, क्या कहोगे 40 होगा है नहीं, कितना होगा 40 होगा है नहीं। अब दोस्तों एक चीज बताओ, ये जो है ये रेशियो कितना है एफिशिएंसी का, एक ए का है, बी का कितना है 2 है भाई, दोनों एक साथ 8 दिन काम कर रहे हैं ना, तो 2 × 1 कितना हुआ 3, 3 से गुणा कर देंगे 8 दिन के लिए कर, तो 8 से और इनटू उनके एफिशिएंसी का गुणा, 8 × 2 = 1 कितना हुआ 3 से गुणा बटे टोटल वर्क 40 है ना। अब काट दो इसको, 4 × 0 = 0 4 × 4 = 4 × 8 तो कितना हुआ 3 × 6 = 6 × 60 कितने परसेंट आ गए कार्य 60%। तो दोनों 8 दिन जब काम करेंगे मिल करके तो टोटल वर्क 40 जो है उसका कितने परसेंट काम कर लेंगे 60% काम कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसमें ऑप्शन दे देता हूं, ए 2 बी 3 सी 4 डी 5 ऑप्शन दे दिया, क्यों ऑप्शन दिया दोस्तों हमने। अब ऐसे जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है 54, 71, 75 और 99 में से प्रत्येक संख्या में वह कौन सी संख्या घटाई जाए,
जिससे शेष समानुपाती हो। क्या हो? शेष क्या हो दोस्तों? समानुपाती हो, है नहीं? तो समानुपाती कैसे निकालेंगे दोस्तों? एक तो तरीका हमने बताया था आप लोगों को कि जो है आपसर से करते हैं। कैसे करते हैं? आपसर से करते हैं। आपसर से कैसे करेंगे? समानुपाती का मतलब समझ लो, इसके साथ ये ले लो बराबर इसके साथ ये ले लो, है नहीं? तो 54 है ये, पहला ऑप्शन 2 है, 54 से 2 गया तो कितना बचा? 52 बचा ना, बटे क्या करेंगे? इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, ऐसे 75 से 2 गया तो 73 बराबर, 71 से 2 गया तो 69, 99 में से 2 गया तो 97। तो क्या है? समानुपाती होगा, मान मतलब बराबर के इधर का मान होना चाहिए बराबर जितना हो, और बराबर के बाद का मान जो हो वो बराबर होना चाहिए, तभी हम समानुपाती माना जाता है। तो पहला ऑप्शन तो क्या होगा? गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कितना है? 3 है। तो 3 की बात करें तो 54 से 3 गया तो 51 बटे, इसके साथ 54 के साथ कौन लोगे? 75 लोगे। 75 से 3 गया तो 72, है नहीं? बराबर 71 से 3 गया तो 68, है नहीं? बराबर बटे 99 में से 3 गया तो 96, है नहीं? अब इसको डिवाइड करो, 17 51 और कितना रहेगा? 54 से 3 गया तो कितना होगा? 51 होगा, और 75 से 3 गया तो 72 होगा, है नहीं? 75 से 3 गया 68, सॉरी देखो इस 54 के साथ हम क्या लेंगे 54 के साथ, 54 के साथ जो है हम 71 लेंगे, है नहीं? तो 54 से 3 गया तो 51 बटे 71 से 3 गया तो 68, कितना आया? 68 बराबर 75 से 3 गया तो 72 बटे 99 में से 3 गया तो 96, ठीक है? अब इसको डिवाइड करो, 17 3 51 17 चक्कू 68, और ये 36 किसे कटेगा? 18 चक्कू 72, नहीं 18 से नहीं, 14 13 छंग 78, 14 12 छंग 72, 12 से काटो 12 थी 96, फिर 2 से कट रहा है तो 2 से काटोगे 2 3 6 2 चक्कू 8, तो इधर भी मान देखो 3 बटे 4 आया बराबर, इधर भी मान 3 बटे 4 आया। तो ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। क्या है? ऑप्शन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसे करते हैं? ऑप्शन से। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से ही करोगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। तो आप राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। तो ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, पवन को बताया गया कि उसको अपने वर्तमान वेतन पर 20% की बढ़ोतरी मिलेगी। कह रहा है अपने वर्तमान वेतन पर 20% की बढ़ोतरी मिलेगी। कितने परसेंट की बढ़ोतरी मिलेगी दोस्तों? 20% की। लेकिन एक महामारी के कारण उसे केवल 16% की बढ़ोतरी मिली। भाई 20% की बढ़ोतरी कहा गया कि मिलेगी, लेकिन एक महामारी आ गई जिसके कारण उसको कितने परसेंट की बढ़ोतरी मिली? 16% की बढ़ोतरी मिली, जिसके कारण उसके वार्षिक वेतन, क्या कह रहा है? वार्षिक वेतन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वृद्धि में 30,000 की कमी आई। वार्षिक वेतन की वृद्धि में कितने की कमी आई दोस्तों? 30,000 की कमी आई। तो पवन का वर्तमान मासिक वेतन पूछ रहा है। क्या बोला है दोस्तों? मासिक वेतन बोल रहा है। तो दोस्तों ये बताइए कि 20% की बढ़ोतरी कहा गया, बट उसको कितने परसेंट की बढ़ोतरी मिली? 16% की। तो कितने परसेंट की कम बढ़ोतरी मिली? तो 20 से 16 गया तो 4% की। क्या कहोगे? 4% की सर्जी बढ़ोतरी कम मिली। अब 4% की वैल्यू कितनी है? 30,000। कितनी है दोस्तों? 30,000, है नहीं? लिख दिया मैंने, है नहीं? क्या लिखा? 30,000। तो 4% की वैल्यू कितनी है? वार्षिक वेतन, है नहीं? वार्षिक वेतन। अब दोस्तों 4% का वैल्यू कितना है? कितना है? 30,000। कितना हुआ? 30,000, है नहीं? 30,000। अब
दोस्तों वार्षिक वेतन है, कितना है वार्षिक, हम मासिक बनाने के लिए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, 12 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, 6, 12 पंचे 60, 25 हो गया, तो 4% की वैल्यू कितनी आई 2500 रुपये, कितनी आई 2500 रुपये। अब मासिक वेतन तो आपने आप में 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कैसे होंगे, तो 4 है, 4 को 100 बनाएंगे तो 25 से मल्टीप्लाई, इधर जब 25 से किया तो इधर भी 25 से करना पड़ेगा, तो 25 से कुछ 100, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 से हम 625, 2 जीरो बचे, 2 जीरो रख दिया, तो कितना आ गया 62,500 रुपये। उसका मासिक वर्तमान मासिक वेतन कितना है 62,500 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, बाहरी बिंदु से एक वृत्त की स्पर्श रेखा, वो एक वृत्त है, क्या है वृत्त है जिसके बाहर एक बिंदु है, क्या है बाहर एक बिंदु है, स्पर्श रेखा की लंबाई, अब ये मान लो केंद्र है, केंद्र ओ मान लो है नहीं, तो ये क्या है स्पर्श रेखा है, ये कोई बिंदु P है यहां से यहां तक केंद्र के बाहर, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई नहीं सॉरी, इसकी एक स्पर्श रेखा दी गई है, एक मान लो ये स्पर्श रेखा हुई है, ये N मान लिया, इसको इसे मिला दिया है नहीं, तो दोस्तों ये बताइए जो N का कोण होगा ये कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। अब देखो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 5√3, कितनी है 5√3, और वृत्त, यदि वृत्त की त्रिज्या, अब वृत्त की त्रिज्या यही तो होगी ON है, ON होगी नहीं, इसकी लंबाई कितनी दी है 5 है नहीं, तो कह रहा है तो वृत्त से बिंदु की दूरी, वृत्त से बिंदु की दूरी क्या है, वृत्त से बिंदु की दूरी ये अर्थात OP की डिस्टेंस पूछ रहा है, ये तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ऐसे कंडीशन में दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ये 90 है तो ये 45 होगा और ये 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा होता है 180 अंश होता है नहीं, तो जब ऐसी कंडीशन में हो ये 90 डिग्री हो ठीक है और ये 45-45 हो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है नहीं, अब कर्ण जो है √3 हो मान लो ठीक है, कितना हो √3 हो, और ये कितना हो, कितना हो एक हो नहीं, कितना हो एक हो मान लो, कितना हो एक, तो जो AP आधार होता है, आधार होता है वो 2A हो जाता है, 2A का मतलब जो यहां पर मान लो 1 × 1 है, A का मान 1 है ना, A का मान दोगुना हो जाता है, कितना हो जाए लंब का दोगुना हो जाता है AB का मान आधार का मान, तो यहां से जो है √3 तो कट ही जाएगा, जैसे कि यहां मैंने बताया ठीक कट जाएगा ना, तो 5 आएगा ना, कितना आएगा 5 आया, तो 5 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इकाई, तो ON OP का मान कितना आ जाएगा 10 इकाई, कितना आ जाएगा 10 इकाई, तो ये आपका राइट आंसर होगा 10 इकाई, कितनी दूरी हो जाएगी 10 इकाई। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्रावास में शुरू में कुल n छात्र होते हैं, कितने छात्र होते हैं n छात्र होते हैं, और प्रति छात्र खर्च 20 रुपए, कितने रुपए हैं 20 रुपए, अगले दिन छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि हुई और प्रति छात्र खर्च में 4 रुपए की कमी हुई, कितने रुपए की 4 रुपए की कमी हुई, लेकिन कुल व्यय में 100 रुपए की वृद्धि हुई, कुल व्यय में 100 रुपए की वृद्धि हुई, तो n की वैल्यू अर्थात n का मान ज्ञात करना है, तो चलिए लगाते हैं दोस्तों। अब शुरू में छात्र दोस्तों कितने थे n थे, कितने थे n, प्रति छात्र खर्च कितना हुआ 20 रुपए, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, टोटल खर्च कितना रहेगा n की गुणा 20 से है नहीं, तो कितना हो जाएगा 20 है, कितना हुआ 20 है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगले दिन छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि हुई। तो पहले n छात्र थे, कितने थे? n छात्र थे ना, प्लस बढ़े कितने? 10 की वृद्धि, 10 जोड़ दी मैं, जोड़ दी ना। अब और प्रति छात्र खर्च में 4 रुपए की कमी हुई। पहले छात्र खर्च में कितना था? 20 रुपए था। 4 रुपए की कमी हुई तो कितने रुपए बचे? 20 से 4 माइनस किए तो 16 रुपए, तो गुणे 16 है नहीं। अब क्या कह रहा है, और प्रति छात्र में 4 रुपए की कमी हुई लेकिन कुल व्यय में 100 रुपए की वृद्धि हुई। अब 100 रुपए की वृद्धि किस पे होगी? इस पे, 20n पे। वृद्धि का मतलब घटाएंगे, 20n बराबर किसके? 100 रुपए के, है नहीं, 100 रुपए। ये इक्वेशन बन गए दोस्तों, इक्वेशन बनाना सीखो। ये क्वेश्चन जो जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है उसी से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू यहां से हम लोग निकालेंगे, तो n का मान कितना होगा? 16 की n से, तो 16n 16 × 160 भाई, 16 की n से तो 16n, फिर 16 की 10 से 16 × 160 माइनस 20n बराबर 100, है नहीं। तो 20n से 16n गए तो माइनस के 4n बचा, 4n बचा ना। अब 160 प्लस के इधर है उधर जाएंगे, क्या है क्या हो जाएंगे? माइनस के, 100 से 160 गए तो माइनस का कितना बचा? 60, है नहीं। माइनस माइनस कर दिया तो n बराबर क्या होगा? 60/4, 4 × 4 15 × 60, n की वैल्यू कितनी आ गई? n बराबर 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 15। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 तो sin थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। मान ले कि 0 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है नहीं। तो दोस्तों अब आपको पता ही है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना दिया है? 2। तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ? sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। हमेशा याद रखो, जब sec थीटा प्लस tan थीटा का मान जितना दिया हो उसके बाद sec थीटा माइनस थीटा का मान पूछे तो उसको हम 1 के बटे में कर देते हैं, वही आंसर होता है हमारा। तो यहां से कितना आ गया? 1/2। अब काट दो, ये कटा, 2 sec थीटा बराबर कितना हो गया? 2 + 1/2, 2×2=5/2। तो sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 से 2 में गुणा तो 5/4। अब sec थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/4। लेकिन मान किसका निकालना? sin थीटा का। अब पाइथागोरस लगा देंगे, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय, ये 90 डिग्री होता है। sec थीटा की वैल्यू कितनी होती है? LAL, लाल बटे कक्का से याद कर लेंगे, है नहीं। sin cos tan cot sec, कर्ण बटे आधार, क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? ये वाला मान होता है, कर्ण कितना है? 5 है। आधार कितना है? 4 है। तो लंब कैसे निकालेंगे? लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 25 से 4×16 गए तो कितना बचा? 9। तो लंब बराबर कितना? √9। 9 का वर्गमूल कितना? 3। तो लंब का मान कितना आ गया? 3 आ गया, है नहीं। कितना आ गया दोस्तों? 3। तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin थीटा बराबर क्या होता है बताओ दोस्तों? लंब बटे कर्ण होता है ना, L बटे K, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है? 3 sin थीटा, 3 बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5, 3/5। ये आपका राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सही अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन इसलिए दिए हैं क्योंकि हमको प्रतिनिधित्व, कौन सा सही अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है ये हमें डिफाइन करना है, छाड़ना है। तो जैसे कि 12:9, 12 और 9 किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे, 3×12 रेशियो 3×9, तो कितना आ जाएगा? 4/3 बराबर 16 और 12, 4×16 4×3 12, ये भी 4/3। तो ये आपका राइट आंसर हुआ, क्यों? क्योंकि बराबर के इधर जो है जितनी वैल्यू है और बराबर के उधर जितनी वैल्यू सेम है, तो यही आपका सही अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। बाकी अनुपात जो दिए हैं वो आपका बराबर नहीं है, राइट और लेफ्ट, है नहीं, की बात करें तो सेम नहीं है, इसीलिए ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 5%
और बी के 4% का योग, ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है, योग का 2/3 गुना है नहीं? आप कैसे करेंगे? देखो ए के 5%, ए के 5% तो 5, ए गुणे 5% है नहीं, प्लस बी के 4%, योग कह रहा तो प्लस लगा लेंगे है नहीं, ब्रैकेट बंद, बराबर ए के 6% तो ए गुणे 6% प्लस बी के 8%, बी गुणे 8% का योग कितना है 2/3, तो ये 2/3 यहां लिखा गया है नहीं। अब 3 की गुणा किसमें हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, और 2 की गुणा इस वाले में, तो 3 की गुणा इधर करेंगे तो 5 15 ए हो गया, 15 ए, परसेंटेज से परसेंटेज सारे कट जाएंगे, वो तो चलिए गए है नहीं, तो 5 15 ये हो गया, प्लस 4b 4 12 b ये हो गया है नहीं, बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 6 2 12 ये हो गया, प्लस 8 2 16 b ये हो गया है नहीं। अब 12 ए इधर आएंगे, 15 ए से घट जाएंगे तो 3 ए बचेगा, बराबर 16 b से 12 b घट जाएगा उधर जाएगा ना, तो 4 b बचेगा, कितना बचेगा 4 b, तो a बटे b कितना हो जाएगा दोस्तों 4/3, कितना हो जाएगा 4/3, और a अनुपात b की बात करें तो 4:3, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैथ का सेशन कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम स्टैटिक जीके के बारे में क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम जो है ना कि क्वेश्चन के आंसर बताएंगे बल्कि एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे और ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे। तो चलिए हमारा स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन ब्रैकेट में वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन ब्रैकेट में वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन जो है वित्तीय आपात के दौरान लगाया जाता है, किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा 360, अनुच्छेद 360। तो दोस्तों अब एक चीज और समझना है आपको कि राष्ट्रपति शासन तीन प्रकार से अर्थात 352, 356, 360 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, जो कि जिसमें वित्तीय आपात की बात करें तो अनुच्छेद 360 अर्थात देश में जब वित्तीय संकट होता है तो उसके दौरान देश में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके अलावा पहले ऑप्शन की बात करें क्या है 356 अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 356 कब लगाया जाता है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र क्या होता है विफल हो जाता है, क्या जो हो जाता है विफल हो जाता है, अर्थात यह होता है कि राज्य सरकारें जो है सही से नियम कायदे के अनुसार अपने राज्य में काम नहीं कर रही हैं, तो जो कानून कायदे होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, तब जो है राज्य में 360 अनुच्छेद के तहत राज्य में किसी भी राज्य में जो भी जिस राज्य में ऐसा होगा उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 352 की बात करें तो इसमें भी राष्ट्रपति शासन से संबंधित ही अनुच्छेद है ये। दोस्तों युद्ध या बाहरी आक्रमण के संदर्भ में जब देश में कोई आंतरिक विद्रोह होता है या बाहर से कोई देश अपने देश पर आक्रमण कर देता है तब राष्ट्रपति शासन 300 अनुच्छेद 352 के तहत देश में लगाया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 110 की बात करें तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन अनुच्छेद 110 भी बहुत पूछा जाता है, ये जो है धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है, किससे, धन विधेयक से अनुच्छेद संबंधित है, अर्थात इसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया है। तो पहले क्वेश्चन के सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अनुच्छेद 360। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द्विस्तरीय समिति पंचायती राज व्यवस्था से कौन है,
अर्थात ऐसी कौन सी समिति है जिसमें द्विस्तरी पद्धति थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, कब लागू हुई 1957 में। दूसरे अशोक मेहता समिति, कब लागू हुई 1977 में। तीसरी है पी वी के राय समिति, 1955 में स्टार्ट हुई। दिया ऑप्शन कोई नहीं, तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी अशोक मेहता। अब दोस्तों याद कैसे करेंगे भाई, दो स्त्री है कौन, तीन स्त्री है कौन, चार स्त्री है, कैसे याद रखेंगे, इसके लिए हम आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे। देखो अशोक मेहता, अशोक मेहता तो कितने वर्ड हो गए, एक दो है नहीं, तो ये क्या हो गई, दो स्त्री हो गई, क्या हो गई, द्वि स्त्री हो गई। कि कौन से स्त्री, द्वि स्त्री की बात करें तो अशोक मेहता, अशोक मेहता दो वर्ड हो गए, समिति तो है लास्ट में संदेह वो नहीं जोड़ना, तो अशोक मेहता दो वर्ड हो गए, दो स्त्री हो गए। और बलवंत राय मेहता की समिति बात करें, समिति की बात करें तो ये दोस्तों एक दो तीन, ये कौन सी स्त्री हो जाएगी, त्रिस्त्री, कौन सी, त्रिस्त्री। तो त्रिस्त्री समिति के बारे में बात करें कौन सी संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता तीन वर्ड हो गए, तो बलवंत राय मेहता समेत त्रिस्तरी हो गई। चार स्त्री की बात करें तो पी वी के राय, एक दो तीन चार, पी वी के राय, ये क्या हो गई, चार स्त्री हो गई, चार स्त्री समेत। चार स्त्री की बात करें तो पी वी के राय है नहीं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसा पढ़ा रहे हैं आपको, कभी भूलोगे नहीं, क्वेश्चन आए रहे फटाक से शुरू करोगे, फटाक से आंसर उसमें दे दोगे। अब पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नगौरा जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, तो 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, अब कौन से राज्य से, तो राजस्थान से के नगौरा जिले से है नहीं, राज्य पूछे तो राजस्थान, जिला पूछे तो नगौरा। तो दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों 17 अनुच्छेद, बी ऑप्शन अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 21A। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 21, अनुच्छेद 21। अदर अनुच्छेद के बारे में ऑप्शन में बात कर ले तो दोस्तों अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता की बात करें तो छुआछूत, छुआछूत का अंत है नहीं, छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो 17 में। 18 की बात करें तो 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत, किसका, उपाधियों का अंत बताया गया है, उपाधियों का अंत किस में बताया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 18 में। डी ऑप्शन की बात करें अनुच्छेद 21A, 21A के अंतर्गत दोस्तों जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार किसमें बताया गया, अनुच्छेद 21A। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें बताया गया, अनुच्छेद 21 में, 21A के अंतर्गत दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार उसमें बताया गया है, 21A के अंतर्गत, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। अब दोस्तों चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है,
जब फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो पेड़ पौधों को फूड मिलता है, मतलब फूड का जो प्रोडक्शन था, निर्माण होता है, वो किसके द्वारा होता है? पहला है हरित लवक, बी माइटोकांड्रिया, सी राइबोसोम, डी केंद्रक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित लवक। क्या हो जाएगा? हरित लवक। इसके अलावा अदर ऑप्शन की बात करें कि जैसे कि माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया दोस्तों जो होता है ये कोशिकीय श्वसन क्या दोस्तों? कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी की बात करें, एड्रेनिन ट्राइफॉस्फेट क्या प्रपोन होता है? एड्रेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण क्वेश्चन ये आ जाए कि एटीपी, कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकांड्रिया के द्वारा। सी ऑप्शन की बात करें तो राइबोसोम, क्या है? राइबोसोम। अब दोस्तों राइबोसोम जो होता है पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण करता है, किसमें क्या किसका करता है? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है दोस्तों? तो राइबोसोम के द्वारा होता है। अब डी ऑप्शन की बात करें, केंद्रक, केंद्रक की बात करें तो न्यूक्लियर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, ठीक है। तो न्यूक्लियर का काम क्या दोस्तों होता है? कोशिका का नियंत्रण। केंद्र का काम क्या होता है? तो कोशिका का नियंत्रण करता है, कोशिका का नियंत्रण। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हरित लवक, है नहीं? माइटोकांड्रिया का काम क्या होता है? कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी अर्थात एड्रेनिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करना। राइबोसोम का काम क्या होता है दोस्तों? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। केंद्रक का काम क्या होता है? कोशिका का नियंत्रण करना। तो दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है? तो सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वर्षा कोहरा एवं ओलावृष्टि, वर्षा कोहरा एवं ओलावृष्टि वायुमंडल के किस परत के अंतर्गत होती है? मतलब ये जो तीन चीजें हैं, वर्षा कोहरा ओलावृष्टि किस वायुमंडल के अंतर्गत होती है, वायुमंडल किस परत के अंतर्गत होती है? तो पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, सी ऑप्शन आयन मंडल, डी ऑप्शन वायु मंडल। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। अदर मंडल की बात करें तो जैसे कि ऑप्शन ए है समताप मंडल, तो समताप मंडल में दोस्तों क्या होता है? इसमें ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत। ओजोन परत की बात करें, ओजोन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? O3। क्या होता है? O3। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में, जिसका काम क्या होता है? सूर्य से आने वाली परावैगरी किरणों को रोकना, अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज को रोकना, ठीक है, इसका यही काम होता है। और समताप मंडल में क्या होता है दोस्तों? जैसे कि वायुयान है, वायुयान कामा, वायुयान हुआ कामा, वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा। अब समताप मंडल में ही दोस्तों वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श कंडीशन पाई जाती है, अर्थात समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। ऐसे आता है क्वेश्चन, यह है कि वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श वायुमंडल के किस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा पाई जाती है? तो समताप मंडल, है नहीं? राइट आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन की बात करें कि सी ऑप्शन आयन मंडल, क्या है दोस्तों? आयन मंडल। इसमें दोस्तों क्या होता है? जैसे कि रेडियो तरंगे टेलीविजन
रेडियो तरंगे, कामा टेलीविजन, ठीक है, और कामा रडार, क्या रडार। और बात करें तो ये आदि चीजें किसमें पाई जाती हैं, ये आयन मंडल में जो है रेडियो तरंगे हुआ, टेलीविजन और रडार इत्यादि के लिए उपयोगी होता है। उपयोगी यानी आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों, रेडियो तरंगे पाई जाती हैं, टेलीविजन, रडार तरंगे, रडार इत्यादि जो है आयन मंडल के लिए उपयोगी होते हैं। लास्ट ऑप्शन देखें वायुमंडल, क्या है वायुमंडल। अब दोस्तों वायुमंडल जो है एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें दोस्तों है हीलियम कामा हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन की प्रधानता होती है। हीलियम हाइड्रोजन हल्की गैसों की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है जिसमें जिसमें ये तैरती हुई हुई पाई जाती है। क्या है तैरती हुई पाई जाती है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वायुमंडल में दोस्तों क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन ये जो हल्की गैसें होती हैं इनकी प्रधानता पाई जाती है, जिससे ये जिसमें ये तैरती हुई पाई जाती है, है नहीं। अर्थात वायुमंडल में जो है हीलियम और हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में गैसें पाई जाती हैं, जो कि सबसे हल्की गैसें होती हैं और ये तैरती हुई नजर आती है। आयन मंडल में रेडियो तरंगे, टेलीविजन, रडार इत्यादि के लिए उपयोगी होता है। संतान मंडल जो है इसमें ओजोन परत पाई जाती है और वायान उड़ाने के लिए आदर्श दशा संतान मंडल में पाई जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन की बात करें तो वर्षा, कोहरा एवं ओलावृष्टि क्षोभ मंडल में जो है इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।